राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना 2009 के तहत प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, परंतु बहुत अफसोस की बात है, बहराइच जिले के ब्लॉक पखरपुर के ग्राम बहरवा में पिछले 1.5 साल से हैंडपम्प खराब होने के कारण संदीप कुमार गौतम सहित 100 लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके यहाँ क्या समस्या है? पानी की समस्या है, काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है और समय से स्कूल नहीं जाना पड़ता है, समय से स्कूल भोजन नहीं मिलता है, पानी जानवर पानी नहीं पीते हैं, हम सब पानी नहीं पीते हैं, लोग घर के लोग कहते हैं कि पानी में लगा देते हैं, पानी ही ढोते हैं। आपके यहाँ ये हैंडपम्प कब से खराब? 1.5 साल से। कितने लोग पानी पीते थे? 100 लोग। हैंडपम्प नल बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? हम लोग पानी पियेंगे, समय से स्कूल जाएंगे, जानवर भी पानी पियेंगे, सब लोग पानी पियेंगे। पानी की दिक्कत है और हैंडपम्प दूर है, पानी लाओ में यहाँ न खाना मिले टाइम से नहीं, मन ढावा कर रही है, पानी न दूर है, लड़का पढ़े जाते हैं तो उनका देर हो जाता है। ये हैंडपम्प कब से खराब है? 1.5 साल से खराब है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। कितने लोग पानी पीते थे यहाँ? 100 आदमी पिए थे। हैंडपम्प बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, आराम हो जाए, टाइम पर खाना बन जाए, टाइम पर यहाँ पानी मिले, लड़का बन जाए से पहले लड़का पढ़े जाए, पनावे न मिली तब कौन में बन जाए खाना। मैं और मेरा समुदाय चाहता है इस गांव का सरकारी हैंडपम्प बनवाया जाए ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग बहराइच जिले के पखरपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94 54 46 48 13 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से, इंडियाना हार्ट के लिए।